अरे दीपा और ईशा आ गए। अरे वाह ईशा, तूने बताया भी नहीं। हाँ कैसी है? बहुत बढ़िया। प्रणाम आंटी। कैसे बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आओ आओ ना आओ। ना जीते रहो जीते रहो। कैसी है? बहुत बढ़िया। ईशा हाँ? इधर। ईशा बता कौन सी राखी अच्छी लग रही? ईशा तू वहाँ खुश है ना? मेरा मतलब है बर्फी देवी का व्यवहार ठीक है ना तेरे साथ? उससे ठीक से बात तो करती? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम ठीक है। इनफैक्ट कल तो दीप की अम्मा ने मेरी गृह प्रवेश की रस्म भी करवाई, और ससुराल में जो जो रस्में होती है ना सबकी। और आज तो उन्होंने कहा कि आज राखी है तो मैं घर पर आकर आप सबसे मिल लूं और साथ ही साथ पगफेरे की रस्म भी पूरी कर लूं। सचिशा अच्छा पुत्र बहू, शादी के बाद ईशा कितनी खुश नजर आ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग दोनों भी ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, इसलिए कल तुम दोनों का ब्याह फिर से होगा हमारे मंदिर में। तुमसे शादी दोबारा, जब तक तुम मुझे अपने वापस आने की वजह नहीं बता देती ना, तब तक मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला। और फिर एक बार हमारा मिलन होगा, और इस बार हमारे फेरों में सिर्फ हम दोनों ना, हमारा बच्चा भी हमारे साथ होगा। That's so sweet of you. ये आइडिया भी काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हम बहुत जल्दी में आए। परीशा? हाँ मॉम, एक्चुअली आज ना मैं घर जाकर अम्मा के साथ मिलकर दीप के लिए उसकी पसंद के लड्डू बनाने वाली हूँ, और फिर उसके बाद में आज दोपहर में ना दीप को मेडिकल रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना। परीशा तू अभी अभी तो आई है, तुझे जी भर के देखा भी नहीं मैंने, थोड़ी देर रुक जाती, पापा भी आते ही होंगे, उनसे मिलकर जाती ना। मॉम मैं खुद भी डैड से मिलना चाहती हूँ, बट आज जाना है। कोई बात नहीं, तुझे ऐसे जिम्मेदार देखकर अच्छा लग रहा है, पर आती रहना। चलो अच्छा है। दीप। अरे हुआ क्या है बताएगा? अरे आ तो सही, तू यहाँ यहाँ सुन। जीजा जी, हमारी जो रिसर्च है उसके लिए तो आज नहीं निकलेगा, तू निकलेगा 4 दिन बाद, क्योंकि आपकी फ्लाइट 4 दिन बाद की।
मैंने तेरे और ईशा के लिए एक बेहतरीन सा पैकेज चूज किया है, वो भी कसौली में एक ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में, जिसके बारे में ना घर वाले जानते हैं ना ईशा, समझा? पर तूने ये सब किया कैसे? मैंने कैसे किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तू ये सब कैसे मैनेज करेगा वो इम्पोर्टेंट है। सुन, तू सबको यही बोलेगा कि तू रिसर्च के लिए जा रहा है। हाँ, तू रिसर्च के लिए एयरपोर्ट जाएगा, ईशा तुझे छोड़ने आएगी और वहां से कुछ देर बाद तू मुझे कॉल करेगा और ये बताएगा कि तू रिजॉर्ट पहुंच चुका है ईशा के साथ। समझ ले, सरप्राइज हनीमून है। तू जानता है ना तू बेस्ट है। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं बेस्ट हूं। थैंक यू वीरे। कहाँ हैं सब लोग? जी मंदिर गए हैं। मतलब घर में कोई ना है? हाँ, बड़े साहब ऊपर अपने कमरे में हैं और मीत भाभी किचन में हैं। बढ़िया से। मैं भी राज भाई साहब कई हाल चाल पूछने आई हूँ। जी मैडम। कहते इंसान को तीन मौके कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सम्मान पाने का, सम्मान देने का और सम्मान छीनने का। करना है आज कर ले मंजरी, कल से तो यो मीत उड्डा अपने मीत के साथ मिलके भंगड़ा करेगी। राम राम भाई साहब।